जय हिंद। हाँ, आप लोग बोल रहे थे नर्सिंग असिस्टेंट क्या एक और वीडियो बना दूं। यह वीडियो जो होने जा रहा है आपका बहुत ही धमाकेदार होने जा रहा है। अभी एक कोई था जसप्रीत फौजी करके नाम था शायद, अभी आज है आपका 6 सितंबर, यह आपको वीडियो मिलेगा 7-8 सितंबर को या 9 सितंबर को, मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे क्यों? क्योंकि आप लोगों का रैली आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत कैंडिडेट्स जा रहे हैं ताकि आपका मदद हो सके इसमें। तो यह वीडियो आपका बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको मैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को बताने जा रहा हूँ और आपको इसका मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। PDF आपको टेलीग्राम चैनल नेशनल कोपरा कैडेट्स पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं और वहाँ से तैयारी अगर आप करेंगे तो आपको जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स पूरा मिल जाएंगे पर्टिकुलर, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैं भी उसमें कुछ महीनों तक रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से उसको उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो मैं आप लोगों को चलिए बताता हूँ कि क्या क्या पूछा जा रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे तो जो पूछा जा रहा है मैं 2-3-4 वीडियो बना दिया हूँ पहले का, आप उसको जा कर के देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, अगर यह वीडियो आपको डायरेक्ट मिल रही है तो ठीक है, क्यों देखना है। अब उसमें मैं आपको बता रखा हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए उसको छोड़ते हैं, आप आज ये इस वीडियो पे क्वालिटी ऑफ नर्स आप पूछ सकते हैं कि एक नर्स की क्वालिटी क्या हो सकती है, वो फेथफुल रहे, अपने ड्यूटी के प्रति रहे, कमिटेड रहे, फेथफुल, जो भी जितना भी है क्वालिटी उस पर मैं मेंशन किया हूँ उस PDF में है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। और क्वालिटी हो गया और ड्यूटी ऑफ नर्स, नर्स का ड्यूटी क्या होता है, ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं मेंशन कर दिया हूँ। सिक रूम, रोगी का जो है कि रूम में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें को व्यवस्था होना चाहिए, और क्लीनिंग सिक रूम, क्लीनिंग ऑफ सिक रूम, एक सिक जो व्यक्ति है, आज अगर पूछेंगे जो सिक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति है उसके रूम को आप कैसे क्लीन करोगे, उस पॉइंट को भी मैं बताया हूँ। नेसेसरी आइटम फॉर सिक पर्सन, क्या क्या नेसेसरी आइटम है एक बीमार आदमी के लिए, जैसे बेड हो गया, स्टूल हो गया फॉर फ्रेश होने के लिए, स्मॉल टेबल हो गया, वॉशरूम हो गया, टॉवेल हो गया, इन सब के सोप हो गया, ये सब जो भी हैं मेंशन किया हूँ। और पल्स के बारे में, जो कि धमनी क्या, वो धड़कन क्या, जो पल्स है आपका, पल्स कितना डिग्री फारेनहाइट पे, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो कितने बार पल्स होगा, जब आपका 98 डिग्री फारेनहाइट रहेगा तो 80 बार, 100 जाएगा तो 100 बार, उसके ऊपर जाता है 105 पे जाएगा तो 150 बार, इस तरीके का जो भी है ये सब पता है। रेस्पिरेशन उस पर मैं मेंशन किया हूँ अच्छे तरीके से, आप जा करके देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में है रेस्पिरेशन के बारे में। मेथड्स ऑफ काउंटिंग रेस्पिरेशन, आप श्वास जो है रेस्पिरेशन को कैसे काउंट कर सकते हैं, टेम्परेचर को कैसे लेना है, और थर्मामीटर रखा रहेगा, थर्मामीटर को आइडेंटिफाई करना कौन सा थर्मामीटर कैसे है, थर्मामीटर को यूज़ कैसे करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर, रेक्टल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। अब यह मत बोलिएगा कि आप इस वीडियो में आइए, वीडियो में आगे पूरे अच्छे तरीके से बताते चलिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको एक्चुअली मैं बताने बता सकता हूँ, लेकिन तो आप खुद जा करके खुद पढ़ोगे उसको अपने से, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि इसमें पूरा लर्न करने वाली चीज़ें हैं, पूरा आप खुद से आसानी तरीके से समझ सकते हो। सर्जिकल नर्सिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, प्री ऑपरेशन ट्रीटमेंट के बारे में उसमें बताया गया, सेप्सिस और एसेप्सिस तम सुने हो, पूछ देंगे सेप्सिस और एसेप्सिस, बोलोगे ये तो पता ही नहीं, सेप्सिस एसेप्सिस। सर्जिकल ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग, जब भी सर्जरी हुआ है तो उसका ड्रेसिंग कैसे करेंगे, पट्टी कैसे लगाएंगे, और टाइप ऑफ उन घाव जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी अब घाव के भी प्रकार, कई प्रकार के 5-6 प्रकार के तो शायद उसमें मेंशन किया हुआ है, उसी से पूछेंगे। इनसाइज्ड वाउंड, लेसिरेटेड वाउंड, जैसे लेसिरेटेड वाउंड जो है जैसे कुत्ता काट लेता है ना, तो हम नहीं ये नहीं बोलते हैं कि चोट लग गया ऐसा कुछ, लेसिरेटेड यानी कि फाड़ दिया, लेसिरेटेड वाउंड समझ रहे हो, यह हो गया। पंक्चर वाउंड, कंट्यूज्ड वाउंड, तो वाउंड वाउंड के टाइप भी वहाँ पे मेंशन किया है। टाइप ऑफ ड्रेसिंग, अब देखिए ड्रेसिंग के भी टाइप है, ठीक है, तो कैसे पट्टी को करना है, आपका क्या होता है, एसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, बैंडेजिंग, प्रेशर ड्रेसिंग होता है, एक्सपोजर टू लाइट और एयर ड्रेसिंग होता है,
देखिए चार पांच प्रकार इसी तरीके का बता दिया, तो आप जब पढ़ोगे वहाँ पे जाकर तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगा भैया, ठीक है। फीवर इन्फेक्शन और डिजीज़ के बारे में, क्या फीवर है, क्या इन्फेक्शन है, क्या डिजीज़ है, जो वहाँ पे पूछ रहे हैं वही है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हो तो मैं बोलता हूँ 90% चांस है कि आप इसको निकाल लोगे। डिजीज़ इन ह्यूमन बींग, अब तक जितने पूछे गए हैं क्वेश्चन सब इसी से मिल रहे हैं। डिजीज़ कौन कौन से ह्यूमन बींग में डिजीज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ह्यूमन बॉडी के उसको भी मैं मेंशन किया हूं। और मैं आपकी स्क्रीन पर या पीडीएफ एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है पीडीएफ का उसको मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए क्या क्या है उसमें, कितना महत्वपूर्ण है। मेडिकल इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, मेडिकल इन्वेंशन जो है, डिस्कवरीज जो है, पूछा जा चुका है, पूछे जा रहा है उसके बारे में, रॉबर्ट हुक इन लोगों के बारे में। और लैटिन एब्रीवेशन, जो भी एब्रीवेशन है, जैसे कि आपका NS हो गया, आपसे बताते आ रहा हूँ, नॉर्मल सेलाइन हो गया, BIS हो गया, AQ को क्या बोलते हैं, अक्वा बोलते हैं, अक्वस बोलते हैं, अक्वस सोलूशन, तो इन सब के बारे में लैटिन जो भी आपके हैं एक्रोनिम्स शॉर्ट्स टर्म शॉर्ट्स में उनको भी मैं बताया हुआ हूँ, तो आप उसको भी जा करके वहाँ से पूरा जैसा आप अभी PDF में देखे हैं उसको पढ़ लीजिएगा और आपका सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी तो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए इसको पढ़ने के बाद। बाकी आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को कुछ ना कुछ मदद हो सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।